वार्ता के लिए ना बुलाने पर एचआरटीसी परिचालक मुखर हो गए हैं और 13 जुलाई से क्रमिक अनशन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। मंगलवार को शिमला में एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन द्वारा गेट मीटिंग की गई और ओल्ड बस स्टैंड में रैली निकाली गई। साथ ही 22 जुलाई तक क्रमिक अनशन पर जाने का फैसला लिया गया। साथ ही इस दौरान यदि सरकार वार्ता के लिए नहीं बुलाती है तो 22 जुलाई के बाद प्रदेश में उग्र आंदोलन शुरू करने को लेकर बैठक में फैसला लिया जाएगा। कंडक्टर यूनियन ने सरकार को 12 जुलाई तक का समय वार्ता करने का सरकार को दिया है। सरकार की ओर से यूनियन के साथ कोई भी वार्ता नहीं की गई। यूनियन के प्रांतीय प्रधान किशन चंद ने कहा कि छठे वेतन आयोग की अधिसूचना जारी होने से परिचालकों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अधिसूचना होने से पहले उन्हें 2400 रुपये ग्रेड पे मिलता था, जो अब घटकर 1900 रुपये हो गया है। इसके अलावा वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को 12 जुलाई तक का समय दिया था, सरकार की ओर से वार्ता को लेकर कोई भी पहल नहीं की जा रही। सबसे पहले तो मैं मीडिया से आए हुए मीडिया प्रभारी मैं कनेक्टर यूनियन हिमाचल प्रदेश की ओर से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं कृष्ण चंद, प्रांतीय प्रधान स्टेट एचआरटीसी कनेक्टर यूनियन हिमाचल प्रदेश, जो आज हमारी परिचालकों की बैठक पूर्णमल धर्मशाला में हुई, जो वेतन विसंगति को लेकर के 27/6/2022 को इसी हाल में परिचालकों द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर के बैठक की गई थी और वेतन विसंगति को लेकर के सरकार को 12 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन सरकार द्वारा कनेक्टर यूनियन हिमाचल प्रदेश को वार्ता हेतु नहीं बुलाया गया, जिससे हिमाचल प्रदेश के समस्त परिचालकों में रोष उत्पन्न हुआ है। उसको लेकर के कनेक्टर यूनियन हिमाचल प्रदेश द्वारा आज 12 तारीख को फिर बैठक बुलाई गई। इस बैठक में समस्त परिचालकों द्वारा निर्णय लिया गया कि 22 तारीख तक हिमाचल प्रदेश का समस्त परिचालक मंडलीय स्तर पर क्रमिक अनशन पर बैठेंगे और जो हमारी गेट मीटिंग है वो पूर्व की भांति 22 तारीख तक चलती रहेगी। अगर 22 तारीख तक सरकार ने हमारी इस समस्या के ऊपर कोई भी निर्णय नहीं लिया, वार्ता हेतु यूनियन को नहीं बुलाया, तो 22 तारीख को ही आगामी बैठक बुलाई जाएगी और जो भी परिचालकों द्वारा निर्णय लिया जाएगा एक कठोर निर्णय लिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन मैनेजमेंट और हिमाचल गवर्नमेंट की होगी। बैठक में आपने बोला कि भूख हड़ताल का विरोध करेंगे, क्या हम 13 तारीख से जो है मंडलीय स्तर पर, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में 4 हमारे मंडल हैं, जैसे कि शिमला, मंडी, धर्मशाला, हमीरपुर, मंडलीय स्तर पर जो है हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे और जो हमारी गेट मीटिंग है और जो हमारे काले बिल्ले हैं वो वैसे पूर्व की भांति जो है 22 तारीख तक जो है चलते रहेंगे। उसके बाद हड़ताल पे भी जा सकते हैं जी। अगर 22 तारीख तक सरकार द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया, वैसे तो हमें उम्मीद है कि जो हमारी वेतन विसंगति 2006 से चली आ रही है उसके ऊपर सरकार जो है मंथन कर रही है, सरकार तक आवाज़ पहुंच चुकी है। जैसे कि हमें गुप्त सूत्रों से पता लगा कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री जयराम ठाकुर जी है, उनसे वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि जो परिचालकों की समस्या है ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है, पूर्व सरकार के समय की समस्या है, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर जो गौर करूंगा
और उसको उसका हल निकाल भी जरूर निकालूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।